अनाउंस करना चाहता हूँ दैट पीपरा मोथा हैज़ नाउ, हमने थोड़े दिन पहले यूथ त्रिपुरा फेडरेशन को शुरू किया था. आज वी आर वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट त्रिपुरा वीमेंस फेडरेशन TWF को हम लोग शुरू कर रहे हैं. दिस विल बी द फ्रंटल विंग ऑफ द त्रिपुरा मोथा ऑर्गेनाइजेशन. और ये जो त्रिपुरा मोथा ऑर्गेनाइजेशन है इसमें सेंट्रल बॉडी बहुत जल्दी होने वाला है, लेकिन वी बिलीव आज एक हिस्टोरिक डे है. 6th of June सबको याद होगा, इट्स अ वेरी हिस्टोरिक डे. और कोई भी मूवमेंट, मैं अभी भी इंसिस्ट कर रहा हूँ कि ये त्रिपुरा मोथा इज़ नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी बट अ मूवमेंट फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, फॉर द राइट्स ऑफ द इंडिजिनियस पीपल. एंड टुडे आई एम ग्लैड टू अनाउंस दैट TWF त्रिपुरा वुमेन्स फेडरेशन विल बी फॉर्म्ड. एंड आने वाले एक दो दिन के अंदर मैं कमिटी भी अनाउंस करूँगा. त्रिपुरा वुमेन्स फेडरेशन विल बी पर्सनली हैंडल्ड बाई मी. मैं खुद इनका डायरेक्टली इनका स्ट्रक्चर को हैंडल करूँगा. और आई एम वेरी क्लियर, यहाँ में मेरे संग हमारे चेयरमैन हैं, INPT के जनरल सेक्रेटरी है. थोड़े दिन के बाद हम लोग त्रिपुरा मोथा में आ रहे हैं, अगले 2-3 दिन के अंदर. लेकिन मैं बहुत क्लियर हूँ, आई एम वेरी क्लियर दैट कोई भी मूवमेंट विल नेवर बी सक्सेसफुल जब तक इसमें हम लोग वीमेन को मेजर रोल नहीं दे. आज कहीं कहीं से रिपोर्ट आता है कि विलेज काउंसिल में कुछ प्रॉब्लम है, कोई पंचायत में कुछ प्रॉब्लम है. आप देखेंगे कि वीमेन का कहीं में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. हम लोग का वीमेन सोसाइटी को जोड़ता है, और तोड़ने वाला त्रिपुरा में बहुत है, लेकिन जोड़ने वाला बहुत कम है. इसके लिए आई एम पर्सनली गोइंग टू हैंडल द वुमेन्स फेडरेशन. एंड आई एम वेरी हैप्पी आज कि हमारे संग नए लोग भी जुड़े हैं. सपना हैज़ ऑफिशियली ज्वाइंड त्रिपुरा मोथा. देर आर अदर पीपल जो 1977-78 TUGS के टाइम से जो INPT में है, वो लोग भी एडवाइजरी काउंसिल में आ रहे हैं. और ये त्रिपुरा वुमेन्स फेडरेशन सिर्फ सेंट्रल कमेटी नहीं रहेगा, इसमें प्राइमरी कमेटी रहेगा, इसमें डिवीजन ब्लॉक कमेटी रहेगा, इसमें डिस्ट्रिक्ट कमेटी रहेगा, और इसमें सेंट्रल कमेटी रहेगा. और मैं चाहता हूँ कि ये वुमेन्स फेडरेशन हमको लीड करें, ना कि हम वुमेन को लीड करें. और हमारा इश्यूज जो है, ये सिर्फ वुमेन लोग अगरतला में या खुमुलुंग में बात नहीं करेंगे. अगर दरकार है तो इफ़ दे हैव टू गो टू दिल्ली, ये लोग दिल्ली जाएंगे. अगर फॉरेन कंट्री में भी जाना होगा तो मैं इनको सपोर्ट करूँगा. लेकिन जो त्रिपुरा वुमेन का, जो हमारे सोसाइटी का, जो हमारे कम्युनिटी का, इंडिजिनस कम्युनिटी का जो प्लाइट है, वो मैं थ्रू द वुमेन हाईलाइट करना चाहता हूँ. प्लीज़ डू नॉट टेक दिस एज अनदर पॉलिटिकल विंग ऑफ अ पार्टी. This will be a movement by the women, led by the women, for the women and for the entire society. If you have any questions regarding this, I'll be more than happy to answer. अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन I think that आज historic day है. 6th of June कोई भूला नहीं है. 6th of June में आज से 41 ईयर्स पहले बहुत माँ ने अपने भाई को, औलाद को खोया, बहुत बहन ने अपने
भाई को खोया, बहुत लोगों का हस्बैंड्स मारे गए, हर कम्युनिटी से, आई एम नॉट गोइंग टू से वन कम्युनिटी, ऑल कम्युनिटी। और 6 जून हमारे वीमेन ने बहुत सफ़र किया है, जो दंगा के बात मैं बोल रहा हूँ। और आज उसी दिन में हम एक वीमेंस फेडरेशन का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, इसका एक मैसेज जाता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, यहाँ में हमारे वीमेंस तो हैं ही, लेकिन आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी दैट हमारे वेरी सीनियर लीडर जगदीश देव वर्मा, देन आगोर बाबू, हमारे बुद्ध बाबू नांद्रोदेव वर्मा, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है, एंथनी, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है कि ये विमेन ऑर्गेनाइजेशन को ठीक करने के लिए। बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक राधा बाला, बीना, शर्मिला इज देयर, सपना है, हमारा लूसी हालाम, अपना अर्चना, और बहुत लोग हैं, मतलब कि सबका नाम ले तो बहुत वो हो जाएगा, लेकिन एवरी वन ऑफ यू ऑल, सब लोग यहाँ में एक नया कदम उठाएंगे। एंड आई वॉन्ट टू जेन्यूनली सिंसियरली, मैं दिल से चाहता हूँ कि त्रिपुरा में वायलेंस ख़त्म हो, और जब तक विमेन सामने नहीं आएंगे, जब तक ये ड्रग्स का प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगा, ये सब में विमेन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर हमारे पार्टी में और विमेन आए, महिला आया, तो ये हमारा पार्टी के लिए अच्छा है, और ये हमारा मूवमेंट के लिए अच्छा है, ग्रेटर त्रिपुरा के लिए। दैट इज़ व्हाट आई वांट से। अगर कोई सवाल है, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। सर, आपने बोला ग्रेस काउंसिल के लिए प्रॉब्लम हो रहा है अभी तक, हाउ इट विल बी एंड? आई हैव टेक, वी आर गोइंग टू टेक अ लीगल ओपिनियन, क्योंकि एक लीगल ओपिनियन गया है। आई हैव आस्क्ड आर सीएम टू ऑफिशियली टेक लीगल ओपिनियन एंड राइट बैक टू द स्टेट गवर्नमेंट विद आर लीगल व्यू, कि जो उनका जो व्यू है और हमारा व्यू है वो अलग है। तो मैंने कहा है कि सीएम को, सीईओ को कहने के लिए कि एक लीगल लेटर लिखे, एक ऑफिशियल रिप्लाई दे, उसके बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने पॉइंट में रहेगा तो वी कैन एक्सप्लोर ऑल लीगल ऑप्शंस, लेकिन मैं वायलेंस के पक्ष में कभी नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि देखिए ये जो 6 शेड्यूल है, ये आज भी TTAADC है, इसमें एक वर्ड ऑटोनमस है, और अगर हमारे ऑटोनमी को अगर हमेशा सप्रेस किया गया, तो ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मतलब क्या रहता है? हमने जो भी कदम लिया है, हमने लीगली, हम इसको वेट करके, वी आर गोइंग टू टेक एन एक्शन एंड वी आर गोइंग टू सेंड अ ऑफिशियल रिप्लाई टू द स्टेट गवर्नमेंट, टू द कंसर्न ऑफिसर, फ्रॉम आर ऑफिसर, एंड इफ द स्टेट गवर्नमेंट स्टिल इंसिस्ट, देन वी हैव ऑल लीगल ऑप्शंस ओपन। Few days back, Congress was came in support of Tripura and demanded the state government to give a free hand for the work in BDC. Can you expect that there are any talks of alliance are going on? No, there are no talks of any alliance. I thank Pijush Babu. Pijush Babu has been a gentleman and he keeps on talking to me. But there's no talks of any alliance. We are sticking to our line of Greater Tripura land. We are sticking to the line of CAA, NRC. We are sticking to our line of illegal migrants should not be in the state of Tripura. And Congress has a view, but there is no talk of any alliance. But nevertheless, Pijush Babu is a gentleman. I thank him for his view, but this is not his views on more power to us is not linked with any alliance. It is to do with his good professional behavior as well. Sir, opposition leader, Mr. Malik Sarkar bhi aise hi bola. Malik Sarkar ne bola? Yes. So I welcome it. Manik Babu bhi jo dekhiye, lekin Manik Babu ka jo sarkar tha 20 saal mein, usne koi council ko koi power to khud diya nahi. Aaj bhi itna bills pending hai. Aaj bhi there are so many problems in the ADC. ADC ek ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ में हमने सिर्फ 5 या 10 हज़ार लोगों को अमीर बनाया है और बाकी 9 लाख लोगों को हम लोग ने वंचित किया है। आई थिंक इट इज़ वेरी सैड दैट डिस्पाइट बीइंग इन पावर इन 20 for 20-25 years द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्चुअली एम्पावर द ADC. दिस इज अ लेगेसी प्रॉब्लम एंड व्हाट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज डूइंग इज द सेम थिंग। My point of view is,
आई थिंक यू आर अ वेरी रिस्पेक्टेड सीनियर, स्पेशली यू सर, यू आर वेरी रिस्पेक्टेड सीनियर जर्नलिस्ट. आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग, आज का जो इंडिजिनस पोलिटिकल पार्टी है वो कोई नेशनल पार्टी के कब्जे में नहीं है. ये जो तिपरा मोथा है ये एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग पार्टी है. तो आप जर्नलिस्ट लोगों को मैं अपील करता हूँ कि ये मात अपने सोच से हटा दीजिए. आई डोंट ब्लेम यू, क्योंकि हमेशा रीजनल पार्टी ने नेशनल पार्टी के संग अलायंस किया है, तो आपको लगता है कि आने वाले दिन में भी होगा. यही बात चला था EDC इलेक्शन के पहले, वी फॉट अलोन, वी फॉट विथ INPT, अब तो वी आर सेम पार्टी एंड वी आर इंडिपेंडेंट. वी डोंट नीड देयर मनी, वी डोंट नीड देयर सपोर्ट. वी नीड सेंटर सपोर्ट बट वी डोंट नीड देयर मनी, वी डोंट नीड देयर सपोर्ट. व्हाट वी वांट इज ग्रेटर तिपरा लैंड, व्हाट वी वांट इज रेवोकेशन ऑफ CAA, व्हाट वी वांट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NRC, व्हाट वी वांट इज द इलीगल माइग्रेंट शुड गो एंड त्रिपुरा शुड हैव अ पीसफुल स्टेट वेर देर इज बंगालीज, देर इज मुस्लिम्स, देर इज हिंदूज, देर इज तिपरासास, देर इज मणिपुरीज, everyone. We are not pinpointing towards any community. What we are saying is that the law should be the same for Meghalaya, for Assam, for Manipur, for Nagaland, and for Tripura. It cannot be different in different states. I'll give you one example. जो मानिक बाबू बोलते हैं कि हमारा autonomy को only state in the entire country जो sixth schedule में which does not report directly to governor, we report to minister to the director of the Ministry of Tribal Affairs, nodal agency. Why? Where in the sixth schedule is it written that we have to report to state minister of tribal affairs? So there are lot of things which have been done. That's why we are taking a legal opinion. I think that hum log ka sixth schedule mein jo banaya gaya hai Tripura mein completely suppressed. और ये दो साल में सप्रेस नहीं हुआ, छः महीने में सप्रेस नहीं हुआ, एक महीने में सप्रेस नहीं हुआ. दिस हैज़ बीन सप्रेस्ड फॉर 30 years, 35 years. तो इसको लीगली हमको इफ यू हैव टू गो वील गो लीगली. बट जो मानिक बाबू आज कह रहे हैं उनके पास भी 20-25 साल था, उसने क्यों नहीं किया उस समय? आज आप फाइनेंस देख लीजिए, बजट देख लीजिए, स्टेट बजट कितना है, हमको कितना मिलता है. आज हम लोग के पास ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जिसका सैलरी में रुपया जाता है. वेयर इज़ द मनी फॉर डेवलपमेंट? तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम विच वी हैव इनहेरिटेड नॉट 1 month अगो बट फॉर द लास्ट 25 years. तो इसको ख़त्म करने के लिए हमको जो भी अच्छा एडवाइस मिलेगा, आई वॉन्ट टू रिपोर्ट टू द गवर्नर. गवर्नर ऑफ त्रिपुरा is a representative of the central government. So I want to report to the governor. I don't want to report to some minister of tribal affairs or director there. So there is a lot of problem. Maybe one day hum log agar ek sang baithenge, then I can explain to you that yehi six schedule Meghalaya mein alag hai, Mizoram mein alag hai, Arunachal mein alag hai, Assam mein alag hai, नागालैंड में मतलब व्हाट दे आर प्रपोजिंग, लेकिन त्रिपुरा में एकदम नहीं. इट इज़ वेरी अनफेयर. बोडोलैंड को देख लीजिए आप, इट इज़ वेरी अनफेयर ऑन अस. इट इज़ वेरी अनफेयर ऑन द ओरिजिनल इंडिजिनस पीपल ऑफ त्रिपुरा दैट वी हैव टू सफर लाइक दिस. एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोर पावर? वी वॉन्ट डेफिनेटिव पावर एंड वी वॉन्ट पावर टू हेल्प आर पीपल. सो दैट्स व्हाट आई वॉन्टेड टू टेल यू. Any question regarding women? Sir, अभी तो development के बारे में आपने बोला था, अभी तो काज काम सब stop हो गया. नहीं, काज काम stop नहीं हुआ है. Village council का जो problem हो गया है, इसी कारण में बहुत काज काम stop हो गया. तो हम resolve करना चाहते हैं, इसी के लिए हम लोग दो बार deputy CM से मिले भी हैं. मैं अभी भी नहीं चाहता हूँ कि काम रुके. लीडर्स के बीच में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये प्रॉब्लम ग्राउंड लेवल में नहीं जाना चाहिए.
मैं आशा करता हूं कि दोनों तरफ से एक फाइनल डायलॉग हो जहां में जो असली लोग हैं, जो ग्राउंड लेवल में हैं, उनको इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं अपील भी करता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट एक फाइनल बार बैठकर ख़त्म करे इस मामले को, लीगली ख़त्म करे, क्योंकि इससे किसी का फ़ायदा नहीं होता। आई एम नॉट हियर टू टेक कन्फ्रंटेशन अगेंस्ट एनी वन। आई वॉन्ट टू डू पॉजिटिव पॉलिटिक्स, आई डोंट वॉन्ट टू नेगेटिव पॉलिटिक्स। इफ पीपल वॉन्ट टू डू नेगेटिव पॉलिटिक्स देन यू नो 25 साल से 30 साल से कौन नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहा है। मैंने आज तक नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं किया है और मैं नेगेटिव पॉलिटिक्स करना भी नहीं चाहता। थैंक यू थैंक यू। आपको